करता हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सैनिक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का तेरा मेडिकल लाइव की मेडिसिन सीरीज में। आज अपन बात करने वाले ओंडास्टेरोन के बारे में, जो कि एक एंटी एमेटिक ड्रग है, यानी ये क्या प्रिवेंट करती है, किसको कंट्रोल करती है, वोमिटिंग को। मतलब ये जब भी वोमिटिंग होए तब अपने को लेनी होती है वोमिटिंग से राहत पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रांड नेम कि मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल ब्रांड क्या है इसके। जोफ्रान है, जोफ्रान ओडीटी, जुप्लेंट, तीन नाम से, और भी बाकी अदर नाम से जो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो अपन ने यहाँ लिख लिए। अगला देखते हैं ओंडास्टेरोन क्या है। एक एंटी एमेटिक ड्रग है, जैसा कि मैंने बताया ये क्या कंट्रोल करती है, वोमिटिंग को कंट्रोल करती है कि वोमिटिंग जब भी बॉडी में हो रही हो, जब भी अपने वोमिटिंग हो रही हो तब उसको अपने को लेना होता है और वोमिटिंग से उससे राहत पा सकते हैं इस ड्रग से। ठीक है, ओंडास्टेरोन क्या है, एक एंटी एमेटिक ड्रग है जो कि किसके लिए यूज की जाती है, नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया का मतलब जी मचलाना, उल्टी का मतलब वोमिटिंग आना। ठीक है, उल्टी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, ओंडास्टेरोन टैबलेट, ओंडास्टेरोन इंजेक्शन या फिर ओंडास्टेरोन ओरल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कौन सी वोमिटिंग, ये देखो ये स्पेसिफिक वोमिटिंग पे काम करती है। और भी ड्रग्स है जैसे डोमपेरिडोन है और भी प्रोमेथाजिन है, अलग अलग तरह की ड्रग्स है, पर ये क्या करती है, स्पेसिफिक एक चीज पे काम करती है जो क्या है, अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो। देखो नॉर्मल चीज में तो ये यूज में ली जाएगी, नॉर्मल जो आपने वोमिटिंग हो रही है या नोजिया हो रही है उसमें तो यूज आएगी ही है। उसके साथ साथ इसका एक स्पेसिफिक काम है, क्या है स्पेसिफिक काम है, क्या है कि सर्जरी जब होती है कोई भी पेशेंट की, कोई भी प्रकार की जब सर्जरी हुई है उससे अगर वोमिटिंग उत्पन्न होती है, उससे अगर उल्टी आती है, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। प्लस कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनमें की इसका यूज किया जाता है। कैंसर पेशेंट में क्या होता है, अलग अलग तरह से कीमोथेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी चलती है, काफी दिन ट्रीटमेंट चलता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो करते हैं ये क्या करती है कि वोमिटिंग को बढ़ावा देती है, यानी इनसे क्या होती है, वोमिटिंग होती है, इनसे उल्टी का मन होता है, उल्टी आती है। उस टाइम पे ओंडास्टेरोन का अपन यूज मेनली करते हैं, बाकी नॉर्मल टाइम्स में अपन इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कि असल में ये काम कैसे करता है। देखो ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है किसका, 5-ST3 रिसेप्टर या फिर सेरोटोनिन नाम का एक की ऑफ हॉर्मोन होता है। हॉर्मोन की होती है सेरोटोनिन, जो अपने ब्रेन में होता है, जो क्या काम करता है, वोमिटिंग को प्रेरित करता है, यानी वो क्या करवाता है, उल्टियां करवाता है। सेरोटोनिन हॉर्मोन जब ये ज्यादा रिलीज होने लग जाता है तो पेशेंट के या फीमेल के या मेल की क्या होने लग जाएगी, वोमिटिंग होने लग जाएगी। ये किसको ब्लॉक करते हैं, उसी को ब्लॉक कर देते हैं। जो 5-ST3 रिसेप्टर होते हैं वो क्या करवाते हैं, वोमिटिंग करवाते हैं। अगर अपन उसी को ब्लॉक कर देंगे तो वोमिटिंग आएगी नहीं। ठीक है, सेरोटोनिन का एक और काम होता है, सेरोटोनिन क्या करती है, अपने जो बॉडी के मूड स्विंग्स हैं, मतलब आपने देखा कि आप किसी दोस्त के पास जाते हो तो बोलता है कि चल यार चल कहीं चलते हैं मार्केट में, तो उसने बोला अगर नहीं यार आज मूड नहीं है, चलो ये मूड जो स्विंग्स होते हैं, मूड को जो कंट्रोल करता है वो भी सेरोटोनिन ही करता है। ठीक है, अगला मूड के साथ साथ जो अपना खुश रहने के तरीके हैं, जो अपन खुश रहते हैं, देखो आज मैं एकदम खुश लग रहा हूँ आपको, तो मेरा क्या सेरोटोनिन हॉर्मोन जो है वो कम सीक्रेट हो रहा है या उसकी वजह से मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये किस किस को कंट्रोल करता है, मेनली ये नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, और जो कि किससे निकलता है, सेरोटोनिन हार्मोन के द्वारा। सेरोटोनिन हार्मोन क्या कोज करता है, नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, सेरोटोनिन को जब अपन ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग भी अपने आप ब्लॉक हो जाएगी, यानी उससे अपने को राहत मिल जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कीमोथेरेपी होने के बाद में जब जो उल्टियाँ आती है, जो जी मचलाता है, उनके लिए अपन खासतौर पर इसको यूज में लेते हैं। और पोस्ट ऑप सर्जरी, पोस्ट ऑप तीन चीजें होती है, प्री ऑप, इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप। प्री ऑप का मतलब है ऑपरेशन से पहले, इंट्रा ऑप का मतलब है ऑपरेशन के बीच में, पोस्ट ऑप का मतलब है ऑपरेशन के बाद। ठीक है, पोस्ट ऑप सर्जरी जो होती है मतलब कोई भी ऑपरेशन आपका हो चुका है, उसके बाद आप घर आ चुके हो या फिर आप हॉस्पिटल में ही हो, उस टाइम पे जो उल्टियाँ आती है, जी मचलाता है, उसके लिए अपन क्या देते हैं, ओंडास्टेरोन का
यूज करते हैं। ठीक है, अगला है नोजिया और वोमिटिंग, जो अपसेट स्टमक अपसेट के कारण होती है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ में होती रहती है, उनके कारण भी इसका यूज किया जाता है। चलिए अगले देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि अपन उसको कब कब नहीं ले सकते, ऐसी सिचुएशन होती है कि कब कब इस ड्रग को अपन ले नहीं सकते। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जब आपकी कोई भी ड्रग से एलर्जी हो, तो आपको नहीं लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको इस ड्रग से एलर्जी है। ठीक है, अगला है लीवर डिसऑर्डर। लीवर डिसऑर्डर का मतलब है आपके लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत है ऑलरेडी, तो आपको ये ड्रग लेने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है कि लीवर डिसऑर्डर पे आप नहीं ले सकते, पर हो सकता है ये भी क्या करती है, कुछ डिसऑर्डर कॉज कर सकती है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए या फिर लीवर फैले हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट लेनी चाहिए। बट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्या करना, बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसके अलावा भी आप काफ़ी तरह की आती है, डोमपेरिडोन आती है, प्रोमेथाजिन आती है, और भी अलग अलग तरह की आती है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अगर एंटीएमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपको नहीं लेनी है। अगला देखते हैं डोज और ड्रग फॉर्म। डोज कैसे कैसे देते हैं, कैसे कैसे ड्रग्स आते हैं इनके मार्केट में, कैसे कैसे अवेलेबल होती है। देखिए तीन चीज़ में अवेलेबल होती है, एक तो इंजेक्शन फॉर्म में जो अपना एम्पूल आता है, एक तो मैंने लिखा है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड जो अपन इंजेक्ट करते हैं नस में, इंजेक्ट करते हैं, देखो अपन इंजेक्शन लगाते हैं नस में इंजेक्शन लगाना, ये वो वाली चीज है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है 2 mg/ml होता है, मतलब 1 ml में 2 mg उसका एमसेक होता है, ऑंडास्टेरोन जो है 2 mg होता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, जब भी अपने को वोमिटिंग हो रही होती है तो अपने को क्या करना है, 2 टाइम मतलब 1 दिन में 2 बार अपने को इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो किसी भी फीमेल की या मेल की वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको क्या करना है, उस टाइम पे क्या करना है, बिल्कुल सही, 2 टाइम इस्तेमाल करना है, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम उसको इंजेक्शन लगवाना है। इंजेक्शन में बढ़िया तरीका होता है टैबलेट का। देखिए टैबलेट की 3 फॉर्म आती है, 4 mg, 4 mg में भी आती है, 8 mg में भी आती है, और 24 mg में भी आती है। एडल्ट जो है, अपन जैसे जवान लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार लेनी चाहिए 8 mg तक अपन ले सकते हैं दिन में 2 बार। ठीक है, अगला चिल्ड्रन के लिए अपन क्या करते हैं, एडल्ट की जो डोज दी है अपने, एडल्ट मान लो इसकी बात नहीं कर रहे, दूसरी की बात कर रहे हैं, मान लो 600 mg को डोज दी है एडल्ट को, तो चिल्ड्रन को क्या करेंगे, 300 mg देंगे। अगर एडल्ट को 2 mg दिए तो चिल्ड्रन को 1 mg देंगे, मतलब एडल्ट की जो डोज है उसको अपन क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, आधी कर देते हैं। ठीक है, ओरल सॉल्यूशन जो कि बच्चों के लिए आती है, सिरप टाइप में आती है, जो क्या होता है 5 ml में उसका 2 mg होता है ऑंडास्टेरोन, जो कि किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, बॉडी का वेट कितना बेबी का, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, नियोनेटल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिए।